हर हर महादेव गाइस। चलिए आज बनाते हैं साबूदाना का शरबत, जिसको हम लोग उड़िया में सागु पोणा बोलते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हम छोटा दाना वाला साबूदाना ले लिए हैं और बढ़िया से भिंगो लिए हैं 3 घंटा पहले। देखिए पूरा बढ़िया से गल जा रहा है। और हम 2 टेबल चम्मच सब्जा को ले लिए हैं, उसको भिंगो के रख दिए हैं। यहाँ पर ये केला ले लिए हैं, एप्पल ले लिए हैं, अनारदाना ले लिए हैं, अंगूर को भी ले लिए हैं, कुछ नारियल को हम छोटा छोटा टुकड़ों में काट लिए हैं यहाँ पर। और यहाँ पर काजू और बादाम को बढ़िया से कूट लिए हैं, आप चाहें तो काट के भी ले सकते हैं, हम कूट लिए हैं। और यहाँ पर ही हम गोलकी और हरी इलायच को कूट के रखे हैं। 1/2 कप दही को ले लिए हैं और 1/2 किलो दूध को हम छेना बना लिए हैं, उसको ले लिए हैं। यहाँ पर ही मिश्री ले लिए हैं, मिश्री को हम ग्राइंडिंग कर दिए हैं, पाउडर बना दिए हैं ताकि वो शरबत में बढ़िया से मिल जाए। ये चीनी नहीं है गाइस, मिश्री है। और हम साबूदाना को एक अलग जगह में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। यहाँ पर नारियल को हम ग्राइंडिंग कर दिए हैं। साबूदाना में अभी हम सारे चीज़ को डाल देंगे, अंगूर को डाल दिए, फिर हम अनारदाना को भी डाल दिए हैं, फिर हम एप्पल को डाल दिए हैं, केला को भी डाल दिए हैं। सबको हम पूरा बारीक बारीक काट लिए हैं ताकि शरबत में बढ़िया से मिल जाए। नारियल को भी डाल दिए हैं जो टुकड़ों में काटे काटे थे। अभी हम दही को डाल दिए, अब हम मिश्री का पाउडर को डाल देते हैं। आप अपना टेस्ट अकॉर्डिंग डाल दीजिएगा, हम 3 टेबल चम्मच हम डाल दिए हैं। और छेना को भी डाल देते हैं, छेना को हम पहले से ही बहुत अच्छा से मैश कर लिए थे हाथ में। ताकि बढ़िया से इसमें मिल जाए। अब हम सब्जा को डाल देते हैं, इससे हम 1/2 ही यूज़ करेंगे। सब्जा जो है पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट में बहुत ठंडक पहुंचाता है गाइस। क्योंकि आज व्रत है, कोई भी व्रत हो, आप जो भी व्रत में आप यूज़ करेंगे तो दही है, छेना है, सब्जा है, साबूदाना है, पेट को बहुत ठंडक पहुंचाता है। अभी हम नारियल का जो हम बारीक करके ग्राइंडिंग किए थे उसको डाल दिए। अभी इसको हाथ से बहुत अच्छा से मिलाएंगे ताकि सारे फल और साबूदाना बढ़िया से मिल जाए एक दूसरे के साथ। हाथ में बढ़िया से मिला चुके हैं, ये तो शरबत नहीं लग रहा है इसमें। और थोड़ा हम दही जो लिए थे उसको धो के पानी डाल देते हैं। और जो हम लोग पीस के रखे थे गोलकी और हरी इलायची, उसको डाल दिए। और काजू और बादाम को जो कूट के रखे थे उसको भी डाल दिए। अब इसको बढ़िया से मिला लेते हैं। आप साबूदाना को चाहें तो ग्राइंडिंग कर सकते हैं, लेकिन हम हाथ में अच्छा से इसको, क्योंकि पूरा मैश हो जा रहा था, अगर ग्राइंडिंग करते तो मज़ा नहीं आता। इसका दाना दाना मुंह में आने से बहुत अच्छा लगता है गाइस। चलिए अब इसको हम सर्व करके दिखाते हैं। सर्व करने का पहले ही आपको थोड़ा सा नमक इसमें डाल देना होगा गाइस, क्योंकि नमक डालने से इसका जो मीठापन है वो मतलब स्वाद में इन्हेंस होगा, उभर के आएगा। इसीलिए हम लास्ट में पूरा सर्व करने का पहले ही इसमें डालें, क्योंकि सारे फल डाले हैं तो फल से क्या होगा ना गाइस, पानी छोड़ने लग जाएगा। ये देखिए गाइस, हम सर्व कर चुके हैं 2 ग्लास में। अब इसको थोड़ा सा ऊपर से गार्निशिंग कर देते हैं जो कि बढ़िया दिखे।
हमको अनारदाना को रख लिए थे उसको डाल देते हैं अभी। ये देखिए अनारदाना को डाल दिए हैं। फिर हम इसमें कुछ बादाम को रखे हैं, उसका ऊपर में हम बादाम को भी डाल देंगे। काजू और बादाम को डाल दिए। आप इसको घर में ज़रूर से बनाइए गाइस, शिवरात्रि में इसको पी के एंजॉय कीजिए। शिवरात्रि का त्यौहार है गाइस, बहुत बड़ा उत्सव है, हिंदू पर्व है। ये देखिए पूरा पूरी सर्व हो चुका है मेरा। अगर मेरा वीडियो देख के आपको अच्छा लगेगा गाइस तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। जितने भी नए दोस्त हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। ओके गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।